ओके सो ये है मी 11X एंड आज की जो हमारी रोम है वो है सीआर ड्रॉइड का लेटेस्ट वर्जन जो कि है 8.2 और इसको मैंने यहाँ पर इंस्टॉल कर रखा है एंड काफ़ी कुछ है वीडियो के अंदर बताने के लिए, तो सब्सक्राइब कर देना, वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, बाकी प्रीवियस वीडियोज़ आप चेकआउट कर सकते हो जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन या फिर आई बटन के अंदर मिलेगा, और टेलीग्राम ज्वाइन करना चाहते हो तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको मिल जाएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल एंड्रॉयड वर्जन आपको मिलता है 12, ऊपर सीआर ड्रॉइड का लोगो है। सीआर ड्रॉइड वर्जन है 8.2, एंड्रॉयड सिक्योरिटी अपडेट है 5F 2022 से अपडेटेड, और जो यहाँ पर कर्नल यूज़ किया ना वो इनफिन आर और अलॉयथ आपको यहाँ पे देखने को मिलता है, कुछ ऐसा सा नेम है इस कर्नल का जो कि आप क्लियरली देख सकते हो। एंड अगर आप जी एप्स यहाँ पर इंस्टॉल करने चाहते हो तो मैं लिंक्स डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा, मैंने निक जी एप्स कोर वाले यहाँ पर इंस्टॉल किए तो आप उनको यहाँ पर यूज़ कर सकते हो या फिर कोई भी आप ट्राई कर सकते हो। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका जो डिवाइस है वो सर्टिफाइड है, DRM इन्फो के अंदर वाइडबैंड L1 है, आपको गूगल फोटोज़ के अंदर स्पूफिंग का सपोर्ट मिलता है और 90 FPS का भी सपोर्ट मिलता है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि मैं बताऊंगा। अब यहाँ पर जना आपको एक्टिव ड्रेन है नॉर्मली कंजप्शन के ऊपर वो काफ़ी अच्छा मिलेगा, ऑलमोस्ट 8-10% पर आर के आसपास एक्टिव ड्रेन, और आइडल ड्रेन 0% पर आर के आसपास है। इवन आपका जो डीप स्लीप है ना वो वर्किंग है। रोम के अंदर जो चार्जिंग स्पीड है वो आप देख सकते हो, काफ़ी एक्सीलेंट आपको मिलेगी। एंड जो CPU थ्रॉटलिंग ग्राफ है वो आपको कुछ ऐसा मिल जाता है, यहाँ पर 241,000 के आसपास एवरेज GIPS है और 279,000 के आसपास मैक्सिमम GIPS है, और जो CPU थ्रॉटल होता है वो 85% है। एंड एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पर कोई भी थर्मल प्रोफाइल आपको नहीं मिलती रोम के अंदर, सो जो सभी चीज़ें हैं वो स्टॉक के ऊपर है। इवन जो आपकी फ्रिक्वेंसी है ना वो भी 3.18 GHz तक ही मिलती है, और सेम गीक बेंच के अंदर आप देख सकते हो 991 का आपको मिलता है सिंगल कोर स्कोर एंड 3286 का मिलेगा मल्टी कोर स्कोर। नेक्स्ट बात करेंगे स्टॉक कैमरा की, तो स्टॉक कैमरा आपको मिलता है लीनिज OS बेस्ड कैमरा जो कि अगर आप चाहते हो तो ट्राई कर सकते हो, अदरवाइज जी कैम का ऑप्शन हमारे लिए अवेलेबल है तो आप इसको ट्राई कर सकते हो। जो स्टॉक लॉन्चर यहाँ पे आपको मिलेगा ना वो है सीआर ड्रॉइड लॉन्चर, आपको मैं दिखा देता हूँ सीआर ड्रॉइड होम नेम से। एंड जो इसके कस्टमाइजेशन है वो आप चेक कर सकते हो, सबसे पहले आइकॉन्स हैं, देन होम स्क्रीन है, देन ऐप ड्रॉर आपको मिलता है जिसके अंदर आपको ये मिसलेनियस है, यहाँ पर हिडन एंड प्रोटेक्टेड ऐप्स भी मिलेंगे। ऐप ड्रॉर के अंदर ये ऑप्शन हैं, ऐप ओपनिंग क्लोजिंग एनिमेशन की स्पीड आप चेक कर सकते हो, काफ़ी ज़्यादा स्मूथ रोम आपको मिल जाती है, लिटरली जो एक्सपीरियंस है यहाँ पर भी काफ़ी स्मूथ आपको मिलेगा, कोई लैग स्टटरिंग आपको नहीं फील करना पड़ेगा। एंड जो रैम मैनेजमेंट वगैरह है वो भी काफ़ी अच्छे से आपको यहाँ पे ऑप्टिमाइज्ड मिलता है। फीचर्स की बात करेंगे तो सबसे पहले हमें मिलता है सिस्टम, और यहाँ पे है जेस्चर्स, जेस्चर्स के अंदर आप चेक कर सकते हो सिस्टम नेविगेशन के अंदर 2.3 बनना है, और ज़्यादा चीज़ें आपको कस्टमाइजेशन के लिए जेस्चर्स की आपको नहीं मिलती, बाकी अपडेटर भी यहाँ पे आपको नहीं मिलेगा बट मिल जाता है, आप चेक कर सकते हो। एंड्रॉयड जो है सीआर ड्रॉइड का आप जो है अपडेटर यूज़ कर सकते हो। सीआर ड्रॉइड सेटिंग्स हैं जिसके अंदर स्टेटस बार आइकॉन्स हैं, नेटवर्क ट्रैफिक मिल जाता है, 4G आइकन, वॉल्टी आइकॉन्स काफ़ी सारे हैं, और ये कुछ कस्टमाइजेशन है जिनको आप यहाँ पर चेक कर सकते हो। टाइप टू स्लीप का ऑप्शन है, क्लॉक वगैरह और बैटरी स्टाइल्स यहाँ पर भी आप कस्टमाइज कर सकते हो। नेक्स्ट अगर बात करें तो यहाँ पर आपको जो है रिपल इफेक्ट ऑन ऑफ करने के लिए ऑप्शन मिलेगा। इवन अगर आप चेक करना चाहते हो नेविगेशन के अंदर पिक्सल एनिमेशन आपको मिलता है, और ये आप चेक कर सकते हो। बटन्स के अंदर ना आपको यहाँ पे ये वाले ऑप्शन मिलेंगे, पावर मेन्यू के अंदर एडवांस रीस्टार्ट यहाँ से इनेबल कर सकते हो, और एम्बियंट डिस्प्ले है, देन चार्जिंग एनिमेशन है, फुल स्क्रीन ऐप्स है, स्क्रीन ऑफ एनिमेशन, मॉनिट सेटिंग्स आपको यहाँ पे मिल जाती है जिसके अंदर ब्लैक थीम एट लिस्ट यहाँ पे अवेलेबल आपको नहीं मिलेगा, और नेविगेशन बार स्टाइल्स है, अगर आप 3 बटन यूज करते हो तब आपको काम करेगा, और फॉन्ट स्टाइल्स आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे। ये आइकन बैग्स हैं, सिग्नल आइकॉन मिल जाएगा, वाईफाई आइकॉन्स हैं, देन आइकन शेप आप चेंज कर सकते हो, तो काफ़ी सारी चीज़ें हैं। एंड अगर आप चेक करते हो नोटिफिकेशन के अंदर हेड्सअप का ऑप्शन आपको मिल जाएगा, और ये जो साउंड है ना इसके अंदर इन कॉल वाइब्रेशन ऑप्शंस भी आपके लिए अवेलेबल हैं। और नेक्स्ट हमें मिलता है मिसलेनियस के अंदर गेम स्पेस, जिसके अंदर अगर आप गेम ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो, कुछ इतने फीचर्स आपके लिए यहाँ पर अवेलेबल हो जाएंगे। और अनलॉक हाइयर FPS इन गेम्स का ऑप्शन है, सो 90 FPS BGMI PUBG के अंदर आपका ये जो है अनलॉक रहेगा, और जो गूगल फोटोज है ना अगर आप इसको ऑफ करना चाहते हो अनलिमिटेड स्टोरेज को तो ये ऑप्शन आपके लिए अवेलेबल है, और स्वाइप टू स्क्रीनशॉट वगैरह भी मिल जाता है। अब सिक्योरिटी के अंदर आपको यहाँ पर कोई भी फेस अनलॉक कैटलिस्ट फिलहाल के लिए तो नहीं मिलता, तो उसका वेट करना, आई थिंक नेक्स्ट अपडेट्स में मिलेगा। और वॉलपेपर एंड स्टाइल का लुक थीम्ड आइकॉन मिल जाएंगे, उसके बाद डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर एक्स्ट्रा डिम वगैरह सब कुछ आपको मिलेगा, और नीचे अगर स्क्रोल करते हो ना तो लाइव डिस्प्ले के अंदर पिक्चर एडजस्टमेंट और कलर कैलिब्रेशन दोनों अवेलेबल हैं, देन कलर्स हैं, कलर्स के अंदर ऑलमोस्ट सभी सेटिंग्स हैं, टैप टू वेक, टैप टू स्लीप, पॉकेट मोड आपको मिल जाएगा, और इंक्रीज टच रिस्पॉन्सिवनेस
स्मूथनेस मिल जाएगी। अब काफ़ी सारे लोग बोलेंगे कि यहाँ पर जो है आपका रिफ्रेश रेट क्यों अवेलेबल नहीं है, बट एक चीज़ मैं बता देता हूँ, यहाँ पर जो रिफ्रेश रेट है ना वो आपको अडेप्टिव बाय डिफॉल्ट मिल जाता है। सो अगर आप डेवलपर ऑप्शन के अंदर आके शो रिफ्रेश रेट के ऊपर क्लिक करते हो तो देख सकते हो जो आपका रिफ्रेश रेट है वो ऊपर अडेप्टिव शो करा है, तो ये आपका जो रिफ्रेश रेट है ना बाय डिफॉल्ट अडेप्टिव रहने वाला है। सो बैटरी की टेंशन नहीं लेनी, बैटरी बैकअप काफ़ी अच्छा मिलेगा। अब जो साउंड के पैनल्स हैं ना, यहाँ पर आपको जो है पर वॉल्यूम कंट्रोल मिल जाएगा, डॉल भी आपको मिल जाता है जो कि मोटोरोला वाला है, और चार्जिंग साउंड्स वगैरह सब कुछ सेम है। एंड बैटरी का सेक्शन चेक करवा देता हूँ, यहाँ पर कोई थर्मल प्रोफाइल्स नहीं मिलती। एंड जो ग्राफ है स्टिल एंड्रॉयड 11 वाला ही आपको मिलेगा, सो एंड्रॉयड 12 के लिए आप थोड़ा वेट कर सकते हो। नेक्स्ट जो 90 FPS गेमिंग परफॉर्मेंस है ना उसकी बात करेंगे। सबसे पहले मैंने आज जैसा आपको बताया कि 90 FPS आपको बाय डिफॉल्ट यहाँ पर मिल जाएगा, आप जो है फीचर को इनेबल कर सकते हो, वो आपको मैंने बता दिया कहाँ पर मिलेगा। देन 90 FPS एक्सपीरियंस की बात करेंगे। सो अगर आप एक क्रिएटर नहीं हो ना, जैसे कि अगर आप स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में जो है गेमिंग नहीं करते, मैं स्पेशली बात कर रहा हूँ BGMI की, तब आपको यहाँ पर जो परफॉर्मेंस मिलेगी ना, जो 90 FPS ये हैंडल करेगा ना, काफ़ी आपको अमेजिंग लगेगी परफॉर्मेंस। एंड लिटरली जो FPS है वो काफ़ी ज़्यादा कांस्टेंट टाइप रहने की कोशिश करता है, एंड कोई भी मेरे को दिक्कत वगैरह नहीं आई, इवन क्लोज रेंज के अंदर भी मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं आई, मैं बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के साथ में बात कर रहा हूँ, एंड कोई टच का इशू भी मेरे को नहीं फेस करना पड़ा। बट अगर आप यहाँ पर इनेबल कर लेते हो स्क्रीन रिकॉर्डर को, तो ऑलमोस्ट मैंने देखा है काफ़ी सारी AOSP ROM के अंदर जो है FPS है ना काफ़ी ड्रॉप करता है। देन उसके साथ में जो टच का इशू है ना वो भी मैंने काफी ज्यादा फेस किया है, लाइक अगर आप 4-finger claw खेलते हो ना तब आपको थोड़ा सा इशू आता है स्क्रीन रिकॉर्डर के टाइम में, बट नॉर्मली ये रोम काफी ज्यादा अमेजिंग है। अगर आप 90 FPS बिना स्क्रीन रिकॉर्डर के खेलना चाहते हो तो डेफिनेटली ये रोम मस्ट रिकमेंडेड है। बाकी कोई भी दिक्कत आपको इस रोम के अंदर ऐसे मेजर नहीं आने वाली।